तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ती के फ्रंट में बोर्ड नेक डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों इस बोर्ड नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पर अपनी कुछ इस प्रकार की लेस यूज़ करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों हमने अपनी एक मैचिंग कलर की नेट भी ली हुई है और ये हमारी बुकरम है, इस पे हम अपना नेक कट करेंगे। दोस्तों ये नेक डिज़ाइन इतना खूबसूरत होने वाला है कि आप इसे अपने लिए एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले हम आपको अपना एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों मैसेज ये है, हमारे रूप सर ने अभी अभी एक चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है पीके है क्या। दोस्तों आपको इस चैनल का नाम सुन के हंसी तो जरूर आई होगी, लेकिन इस चैनल की खासियत सुनेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। खासियत यह है, इस चैनल के अंदर आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट सीखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब के फटे हुए कपड़े से, बचे हुए कपड़े से, पुराने कपड़े से आपको अलग तरीके के प्रोडक्ट सीखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे रूप सर के चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है पीके है क्या। तो इस चैनल का जो लिंक है हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसपे क्लिक करके आप बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत प्रोडक्ट सीख सकते हैं। तो हम अपने बोर्ड नेक की जो ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे वो होगा 9 इंच, तो 9 इंच का हाफ करके हम यहां पर 4.5 पर मार्क लगाएंगे। और हमारे नेक की जो लंबाई है दोस्तों वो है 3.5, मतलब कि 3.5 इंच। अब हम इसके अंदर अपना एक बोर्ड नेक की शेप दे देंगे। तो ये हमारी बोट नेक की सेफ हो गई है दोस्तों। इसके नीचे अब हम अपना एक 6 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये हमने अपना 6 इंच पर मार्क लगा दिया है और 6 इंच का हाफ करके 3 इंच का मार्क बीच में लगाएंगे। इस मार्क को इस तरीके से सीधा कर देंगे और सीधा करने के बाद में दोस्तों यहां से हम अपना एक 3 इंच पर मार्क लगाएंगे। इस प्रकार से देखिए, अब इस मार्क से यहां तक क्रॉस करेंगे और यहां तक क्रॉस करेंगे। देखिए इस प्रकार से यहां पर दोस्तों जो क्रॉस करेंगे यहां पर आपको क्या करना है, बारीक सा मतलब कि क्वार्टर का भी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए ही आपको क्रॉस करना है। ये हमने अपना मार्क लगा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों इसके बाहर की जो बुकरम हम रखेंगे वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं 1/4 इंच या 1/2 इंच। तो हम यहां पर 1-1/4 इंच रखेंगे, मतलब कि 1/4 इंच। तो दोस्तों ये हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी सेम मार्किंग पर कटिंग करेंगे। ये दोस्तों आपको फेंकना नहीं है क्योंकि इसका यूज अभी है। तो दोस्तों ये हमारा एक नेक ये कट गया है। अब इसमें से देखिए जो बाहर की तरफ आपकी जो बुकरम बची है इसमें से आपको 1/2 इंच चौड़ी निकालकर बाहर की तरफ पट्टी एक और निकाल लेनी है इसकी। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमारा एक नेक तो ये हो गया बड़ा वाला और एक हो गया ये इसके अंदर वाला, और ये जो हमारा पैटर्न है इसके बीच में से निकला है। इस पैटर्न में भी आपको अभी थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों इसको चेंजेस, देखिए इसको हमने फिर से दोबारा फोल्ड कर दिया है और फोल्ड करने के बाद में दोस्तों इसमें हम 1-1 इंच का दोनों तरफ से मार्जिन कम कर देंगे। तो जिसके लिए दोस्तों हमारी 1 इंच चौड़ी ये स्केल है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और इसकी हम बाहर की तरफ से कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। अब हम इस पैटर्न को और अपने दोनों ही नेक को कुर्ती के सेम कपड़े पर चिपका लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपने दोनों ही नेक को और ये छोटे वाले पैटर्न को चिपका लिया है और एक नेक में हमने अपने छोटे वाले नेक में कपड़ा फोल्ड ऊपर की तरफ नहीं किया है और हमने बड़े वाले नेक में कपड़ा फोल्ड कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम अपने बड़े वाले नेक को नॉर्मल तरीके से कुर्ती पर बना लेंगे जैसे कि बाकी सारे नेक बनते हैं और ये बहुत ही आसान होता है, आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने नॉर्मल तरीके से अपने नेक को बना लिया है और इसके बाद दोस्तों हम अपने नेक की किनारी पर इस लेस को यूज़ करेंगे सिंगल बूट की मदद से। तो देखिए दोस्तों हमने अपने नेक पर नॉर्मल तरीके से लेस को लगा लिया है और इसके बाद दोस्तों हम अपने छोटे वाले नेक को तैयार करेंगे।
तो दोस्तों इस नेक को तैयार करने के लिए हमने अपने नेक के बाहर की तरफ एक अलग कलर के धागे से सिलाई लगा ली है, जिससे कि हमें पता चलता रहे हमारे नेक की जो चौड़ाई है तैयार वो ये है। अब इसके बाद दोस्तों इस नेक को तैयार करने के लिए हम एक कपड़ा और लेंगे और उस कपड़े पर हम अपने नेक को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में बुकरम के बराबर बराबर अंदर की तरफ हम सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर का कपड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे और बाहर की तरफ दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस कपड़े को हमने जो अपने नेक में कपड़ा छोड़ा है इस कपड़े के बराबर कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने अपना कपड़ा काट दिया है और काटने के बाद में हम अपने नेक को इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए दोस्तों, नोक निकालने के लिए हमने यहाँ पर धागा डाला हुआ था। धागा डालना हमने काफ़ी वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो देखकर सीख सकते हैं। और इसके बाद हम अपने इस धागे को इस तरीके से निकाल देंगे। तो हम अपने पूरे नेक को इस तरीके से पलट लेंगे और फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस पर प्रेस लगा ली है। प्रेस लगाने के बाद में इस नेक का जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आ गया है। और अब इसके बाद दोस्तों हम अपने इस वाले नेक के नीचे भी इस प्रकार से लेस को रखेंगे और सिंगल बोल्ट की मदद से इसको लगा देंगे पूरे नेक में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने नेक पर फिनिशिंग के साथ लेस लगा ली है। और इसके बाद दोस्तों हम अपने इस नेक को नेट वाले कपड़े पर यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको इस तरीके से घुमाएंगे और घुमाकर रखने के बाद में हम यहाँ पर अपने नेक को इस तरीके से सेट करेंगे। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप इसे इस तरीके से घुमा लें और घुमाने के बाद में आपको ये देना है यहाँ पर बीच सेंटर पर, देखिए। ये देखिए आपका यहाँ पर इस तरीके से सेट हो गया है। और सेट होने के बाद में आपको कन्नी की सिलाई लगाते हुए नेट को अटैच कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी नेट अटैच हो गई है। इसके बाद एक्स्ट्रा नेट को हम कटिंग कर देंगे। नेट काटने के बाद में देखिए दोस्तों, नेक का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। और इसके बाद दोस्तों हमने इसके बीच में से जो बुकरम निकली थी उसको छोटा किया था, उसको भी हमने कुर्ती के कपड़े पर चिपका लिया है और थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ चारों तरफ से फोल्ड कर दिया है। अब हम इस पीस को इस तरीके से बीच सेंटर में फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद में कन्नी की सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने अपने पैच को अटैच कर दिया है। और अटैच करने के बाद में दोस्तों इस नेक को और भी ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक ब्रॉच लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर फेबिक ग्लू की मदद से चिपका देंगे, जिससे कि हमारे नेक का लुक जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। और अब हम अपने इस पूरे नेक को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो इस नेक को कुर्ती में अटैच करने के लिए पहले हम अपने इस नेक को नीचे रखेंगे और फिर कुर्ती को लेंगे। तो कुर्ती को लेंगे इस प्रकार से, इसके ऊपर रखेंगे दोस्तों, ये जो हमने पीले कलर के धागे से सिलाई लगाई है, इस सिलाई को छुपाते हुए हम अपने नेक को इस तरीके से सेट करेंगे और इसे पूरा अटैच कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने पूरे नेक को अटैच कर लिया है। और अटैच करने के बाद में पूरा नेक का जो लुक है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत आ गया है। और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे सारे डिजाइंस एक साथ देखने को मिलेंगे और कुछ अलग तरह के डिजाइंस भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और, हमारे रूप सर ने अभी अभी एक नया चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है PK है क्या, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पर भी आपको नए नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे।